नमस्कार मेकअप लवर्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स ब्यूटी। एंड आज मैं करने वाली हूँ मॉनसून मेकअप लुक यूजिंग लैकमे कॉम्प्लेक्शन सीसी क्रीम। ओके, सो अगर आपको देखना है मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दिस लैकमे सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट लोशन। आप कहीं भी जाओ आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करो, बिकॉज सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। मैं 10 ज़रा सा लूँगी, अपने फेस पे इवनली स्प्रेड कर लूँगी एंड 2 मिनट वेट करूँगी। देन मैं यूज़ करूँगी दिस लैकमे 95 cc क्रीम एज अ फाउंडेशन एंड एज अ कंसीलर, बिकॉज ये मॉनसून मेकअप लुक है तो मैं ज़्यादा हेवी लुक नहीं चाहती हूँ। मॉनसून में आप कभी भी लाइट मेकअप ही करो। इसमें मेरा शेड हनी है, मैं अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी एंड एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी। मैं अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ दिस मेबलिन कॉम्पैक्ट। ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। देन मैं अपने आईब्रोज को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ दिस सीस ब्यूटी का ब्राउ किट। इसमें से मैं ये ब्लैक एंड ग्रे शेड लेके अपने पूरे आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी। देन मैं ले रही हूँ दिस मार्स का मैट लिपस्टिक इन द शेड 02। इसे मैं एज अ आई शेडो यूज़ करूँगी, अपने पूरे आईलिड पे इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड देन अपने फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड आउट भी कर लूँगी। सो गर्ल्स, मैंने यहाँ पे कोई भी पाउडर फार्मूला का मेकअप यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो पूरा मेकअप ख़राब हो जाना है इसीलिए। एंड मैं उसी कलर को अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी एंड मैं उसी लिपस्टिक को अपने चीक्स पे भी अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड अपने फिंगर की हेल्प से इसे भी अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो। मैं अपने पूरे फेस के मेकअप को सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट। देन मैं ले रही हूँ दिस मार्स का स्केच लाइनर इन द शेड ब्लैक। इसे मैं अच्छे से विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। आप चाहो तो नॉर्मल लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। देन मैं लैशेस कलर की हेल्प से अच्छे से अपने लैशेस को कर्ल कर लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ दिस मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। इसकी मैं 1 से 2 फुट अच्छे से अपने लैशेस पे अप्लाई करूँगी, बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई भी फेक लैशेस का यूज़ नहीं किया है। दैट्स वाई मैं अपने अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस पे इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी। लैकमे आइकॉनिक काजल इन द शेड ब्लैक, इसे मैं अपने अपर वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड देन मैं इसे अपने लोअर वाटर लाइन पे भी अच्छे से अप्लाई करूँगी। आप चाहो तो काजल को स्किप भी कर सकते, इट्स जस्ट टोटली अप टू योर चॉइस। एंड देन मैं उसी लिपस्टिक को अपने लिप्स पे भी अप्लाई करूँगी, बिकॉज सेम सेम देखने के लिए। आप चाहो तो कोई और लिपस्टिक भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, पीच लिपस्टिक या न्यूड लिपस्टिक। एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी दिस मैक्सिम मोर का हाईलाइटर। मैं ये 2 शेड लेके अपने चीक बोन्स, फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो एंड चिन एरिया पे अप्लाई करूँगी एंड देन मैं थोड़ा इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी एंड देन मैं क्लीन ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपने मेकअप को सर्टल कर लूँगी, कुछ भी ओवर ओवर सा ना लगे। एंड देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी दिस हुडा ब्यूटी मेकअप फिक्स अपने पूरे मेकअप को फिक्स करने के लिए।